गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के नाम बड़ी उपलब्धि। हमारी पार्टी ने विकसित भारत एम्बेसडर बनाने की एक योजना शुरू करी थी, जिसमें हर महीने और हर सप्ताह के जो एम्बेसडर नंबर वन पर रहेंगे। मुझे खुशी है कि आज आपका सांसद पूरे भारत में नंबर वन पर विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में रहा है। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। भारत संकल्प यात्रा एवं विभिन्न योजनाओं को लेकर नमो ऐप पर 100 दिन विकसित भारत एम्बेसडर चैलेंज में उन्होंने पूरे भारत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी सिलसिले में हमने उनसे खास बातचीत की। 70 साल की आजादी के बाद विश्व की और देशवासियों की अपेक्षा है कि भारत विकासशील देशों नहीं विकसित देशों की श्रेणी में आए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है, ये सपना देखा है कि 2047 में जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, तब हम विकासशील नहीं विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे। आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 वर्ष राज किया, आज वह हमसे पीछे है, और अब हम तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जब तक आजादी की रोशनी की किरण और विकास की सभी योजनाएं पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे, तब तक आजादी बेमानी है, और वही उनकी सोच है, वही उनका संकल्प है। ये सभी योजनाएं, ये सभी सुविधाएं हर घर जाकर अधिकारी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि हर घर हर गांव तक जा जाकर इन सुविधाओं को पहुंचाएंगे। इसी सोच के साथ ये विकसित भारत योजना शुरू हुई है, और मैं सोच रहा हूं कि पूरे देश भर में लगभग 3000 वाहनों के माध्यम से हर घर तक आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए तक का इलाज, तुम्हारा राशन कार्ड, तुम्हारा गैस का सिलेंडर, टॉयलेट, कोई भी सुविधा से अगर कोई वंचित रह गया है तो वह अपना रजिस्ट्रेशन कराकर वहाँ इस योजना में शामिल हो सकता है, और हम उस सपने को पूरा करेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें विकसित भारत की श्रेणी में आना चाहेंगे।